हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैफ। आज के इस वीडियो में जो एक मेंस का टॉपिक है जिसको बोलते हैं डीएफटी या फिर डाटा फ्लो डायग्राम, उसको मैं यहां पे डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। एंड ये जो क्वेश्चन है ये आपका ग्रेडअप की साइट से लिया गया है। ग्रेडअप की साइट का जो आपका लिंक है उसको हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसी के संग आपको एक लिंक जो है वो आपको फ्री मॉक जो कि IBPS PO मेंस के लिए है उसके लिए भी गिवन है। सो आप ग्रेडअप की साइट पे इस लिंक की हेल्प से आप जो फ्री मॉक गिवन है उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड अपने मार्क्स देख सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है उसे और बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो स्टार्ट हम करेंगे सबसे पहले इस डायग्राम को समझने से, उसके बाद हम लोग जो इसके एमसीक्यूज होते हैं उन पे जाएंगे। सबसे पहले जो आपके यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस गिवन है उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अ बायर इज इंडिया वांट्स टू परचेज कंप्यूटर इक्विपमेंट फ्रॉम चाइना। कि जो आपका एक बायर है इंडिया से, वो क्या करना चाहता है, परचेज करना चाहता है कंप्यूटर इक्विपमेंट को, कहाँ से, चाइना से। एज अ गारंटी ही टेक्स द सपोर्ट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, और गारंटी के लिए वो क्या करता है, सपोर्ट लेता है किसका, लेटर ऑफ क्रेडिट का या फिर LC का। द फॉलोइंग डाटा फ्लो डायग्राम रिप्रेजेंट्स द स्टेप फॉलोड इन द कंप्लीट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको जो पूरा डाटा फ्लो बताया गया है वो डाटा फ्लो किस पे बेस्ड है, कि जब आपका जो बायर है इंडिया का वो जो हेल्प लेता है LC की, तो उसके लिए जो आपका डाटा फ्लो कर रहा है उस डाटा का जो फ्लो का पूरा चार्ट है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, या फिर वो जो इंपोर्टर होता है यानी कि जो इंडिया का पर्सन है वो रिक्वेस्ट कर रहा है LC से रिलेटेड, एंड उसके बाद फिर वो चाइना का जो एक्सपोर्टर है उसके पास जा रहा है, उसके बाद जो पेमेंट हो रही है वो जो पूरा प्रोसेस है उसको यहाँ पे एक आपका चार्ट में दिखाया गया है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब तो आप समझते होंगे, अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या फिर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो नीरव मोदी का जो केस हुआ है वो इन्हीं सब चीजों पे बेस्ड था। ओके चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो डाटा है वो कैसे फ्लो कर रहा है। देखो स्टार्टिंग होती है इम्पोर्टर से, इम्पोर्टर से जो स्टार्टिंग होती है तो इम्पोर्टर जो है वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है LC के लिए। तो LC यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके जब ये LC के लिए रिक्वेस्ट करता है तो यहाँ पे जो इशुइंग बैंक होता है उसके पास यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है वो जाती है LC के लिए। ओके उसके बाद यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखो आप देखोगे ये जो पेमेंट का सिस्टम है ये दिखाया गया है कि पेमेंट जो है वो इम्पोर्टर के पास से किसके पास गई है, इशुइंग बैंक के पास गई है। ओके इसके बाद डॉक्यूमेंट्स भी दिखाया गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे हैं, या तो इम्पोर्टर के पास से इशुइंग बैंक के पास गए हैं या फिर इशुइंग बैंक के पास से इम्पोर्टर के पास गए हैं। यहाँ पे इन्होंने एरोस जो हैं वो नहीं दिखाए हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। देखो ये तो आप लॉजिक खुद से लगा सकते हो कि जो पेमेंट है ऑब्वियसली इशुइंग बैंक तो करेगा नहीं, ये इम्पोर्टर ही करेगा, तो इम्पोर्टर ने पेमेंट करी है इशुइंग बैंक को। बाकी रही डॉक्यूमेंट्स की बात, तो अगर आपको कभी भी एग्जाम में ऐसा कोई पॉइंट मिलता भी है जिससे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे स्किप करके क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़िए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आपका जो डाटा फ्लो कर रहा होता है उसके अकॉर्डिंग फिर आप समझ जाते हैं कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स वाला सिस्टम है या फिर यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है इसको हमें कैसे समझना है या फिर इसको हमें कैसे लेना है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो पॉइंट आपको कभी कभी समझ में नहीं आता उस पर क्वेश्चन ही बना हुआ नहीं होता है, तो आपको तो खाली MCQ से मतलब है। तो इस को यहाँ रखने का मतलब मेरा खाली यही था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इनफैक्ट आपके जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इसी तरीके से आते हैं। ओके ट्रिकी जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, तो अगर आपके ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कोई यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, आप क्या करेंगे इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और आगे की जो आपका प्रोसेस गिवन है उसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे तो क्या होता है, इंपोर्टर के पास से पेमेंट इशुइंग बैंक के पास जाती है और ये किसकी रिक्वेस्ट करता है, LC की रिक्वेस्ट करता है, एंड LC की रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, ये इशू कर देता है किसको, LC को। ओके इसने क्या करा, LC को इशू कर दिया। LC जो है वो जब इशू होता है तो वो किसके पास जाता है, एडवाइजिंग बैंक के पास जाता है। एडवाइजिंग बैंक के पास जाने के बाद क्या होता है, अथेंटिकेशन होता है। अथेंटिकेशन होने के बाद ये जो LC है किसके पास चला जाता है, ये चला जाता है एक्सपोर्टर के पास। देखो LC की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। LC क्या होता है, जैसे कि आप ये इंडिया का है, ओके ये चाइना का है,
अब इंडिया वाला जो पर्सन है ये चाइना वालों को ये बोलेगा कि आप जो है गुड्स की शिपिंग कर दीजिए, देन मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। लेकिन जो चाइना वाला पर्सन है उसको ट्रस्ट नहीं होता, तो फिर वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि आप पेमेंट कर दीजिए, मैं गुड्स की शिपिंग कर दूंगा। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये होती है आपकी पेमेंट से रिलेटेड। ओके, तो पेमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए एलसी की हेल्प ली जाती है। तो एलसी की हेल्प लेने से क्या होता है कि आपका जो इंपोर्टर है वो आपका एक्सपोर्टर को पेमेंट नहीं देता है, वो बैंक को पेमेंट दे देता है। और जब बैंक को पेमेंट दे देता है तो ये एक एलसी जो है उसको जनरेट करता है और एलसी एक्सपोर्टर को दे देता है। और वो जो एलसी होता है वो एक्सपोर्टर को एक कन्विंस कर देता है कि आपको आपकी पेमेंट मिल जाएगी अगर आप इस गुड्स का शिपिंग कर देते हो। तो यहाँ पे जो बैंक है वो क्या काम करता है, बैंक यहाँ पे कन्विंस करने का काम करता है एक्सपोर्टर को। और जब एक्सपोर्टर जो है गुड्स की शिपिंग कर देता है तो इसका जो बिल होता है, उसके बाद वो जो बिल होता है उस बिल की हेल्प से जो पेमेंट होता है वो आपका इशुइंग बैंक, जो आपका एक्सपोर्टर का बैंक होता है, उसे पे कर देता है। एंड जो एक्सपोर्टर का बैंक होता है वो एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देता है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका एक जो एलसी का रोल होता है वो होता है ट्रस्ट को लेके, राइट? कि जैसे कि इंडिया वाला जो पर्सन है वो पहले पेमेंट नहीं करना चाहता गुड्स रिसीव करने से पहले, एंड चाइना वाला जो पर्सन है वो पहले गुड्स शिप नहीं करना चाहता जब तक उसको पेमेंट नहीं मिल जाती है उसके लिए। तो इस वजह से यहाँ पे जो एलसी का रोल है वो बीच में आता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जब एलसी जो है वो इशू करा जाता है, इशू करने के बाद एडवाइजिंग बैंक के पास जाता है। एडवाइजिंग बैंक क्या करता है, ये सारी इसकी जाँच पड़ताल करता है या फिर अथॉन्टिकेशन करता है। ऑथेंटिकेशन करने के बाद ये एक्सपोर्टर को कन्विंस कर देता है कि आपको आपकी पेमेंट मिल जाएगी एंड आप जो है वो क्या करिए, यहाँ पे जो गुड्स है उसकी शिपिंग कर दीजिए। तो जैसे ही आपको जो एक्सपोर्टर होता है उसको एलसी मिलता है, ये क्या करता है, यहाँ पे जो गुड्स है उसकी शिपिंग कर देता है। जैसे ही गुड्स की शिपिंग होती है तो फिर बिल ऑफ लैंडिंग होता है, एंड बिल ऑफ लैंडिंग होने के बाद ये कहाँ जाता है, जो नेगोशिएटिंग बैंक है उसके पास जाता है। नेगोशिएटिंग बैंक क्या करता है, फिर जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये डॉक्यूमेंट्स किसके पास पहुंचाता है, ये डॉक्यूमेंट्स पहुंचाता है इशुइंग बैंक के पास। जैसे ही इशुइंग बैंक के पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिसीव होते हैं तो यहाँ पे जैसे ही इसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिसीव होते हैं तो ये जो पेमेंट आपको इंपोर्टर से रिसीव करता है इशुइंग बैंक, जो यहाँ पे इसने इंपोर्टर से पेमेंट रिसीव करी होती है, वो क्या करता है, ये पेमेंट लेके किसको दे देता है, यहाँ पे नेगोशिएटिंग बैंक को दे देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से ये जो पेमेंट है, ओके, ये जो आपका जो चार्ट बना हुआ आ रहा है, ये जो पेमेंट है किसके पास चली जाती है, नेगोशिएटिंग बैंक के पास चली जाती है। और जैसे ही ये नेगोशिएटिंग बैंक के पास जाती है यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो पेमेंट है वो किसको मिल जाती है, एक्सपोर्टर को रिसीव हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे एक्सपोर्टर को जो पेमेंट है वो कैसे रिसीव होती है, जब यहाँ पे जो गुड्स है उसकी शिपिंग हो जाती है एंड जो बिल होता है आपका, वो बिल जो है वो नेगोशिएटिंग बैंक के पास पहुंच जाता है। ओके, तो ये जो पूरा डाटा है इस तरीके से यहाँ पे फ्लो कर रहा है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, एक्चुअली यहाँ पे जो ये डाटा फ्लो हो रहा है इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की स्पेलिंग है इसमें थोड़ी सी मतलब एन पीछे और ई आगे आना चाहिए, तो इसको प्लीज़ आप ठीक कर लीजिएगा। ओके, ये थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ से ये ठीक है, राइट? ये मैंने अभी मेरी बिल्कुल नज़र गई, तो इस चीज़ को आप प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, वैन एंड इम्पोर्टर रिक्वेस्ट फॉर अ लेटर ऑफ क्रेडिट, हु फुलफिल्स द रिक्वेस्ट। जो आपका इम्पोर्टर होता है वो रिक्वेस्ट करता है किसके लिए, लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए, तो कौन जो है वो फुलफिल करता है रिक्वेस्ट को। तो देखो यहाँ पे जो लेटर ऑफ क्रेडिट की रिक्वेस्ट जो है वो कौन करता है, इम्पोर्टर करता है। इम्पोर्टर जो है वो किससे रिक्वेस्ट करता है एलसी की, वो करता है इशुइंग बैंक को। तो यहाँ पे जो आपका रिक्वेस्ट ये पर्सन कर रहा है या फिर इम्पोर्टर जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसको कंप्लीट कौन कर रहा है, उसको कंप्लीट कर रहा है इशुइंग बैंक। तो इशुइंग बैंक यहाँ पे इसको कंप्लीट कर रहा है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो इशुइंग बैंक है वो आपका जो इम्पोर्टर है उसकी जो एलसी की रिक्वेस्ट है उसको फुलफिल कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो गिवन है, विच इज आर द बैंक्स इन्वॉल्व्ड नॉट ओनली इन जनरेशन एंड ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बट ऑल्सो इन रिसीविंग और ट्रांसफरिंग ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे ऐसे कौन कौन सा बैंक है या फिर कौन कौन से बैंक्स हैं जो कि आपके ना तो खाली आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसको जनरेट और ट्रांसफर करने में इन्वॉल्व है, बल्कि आपका जो पेमेंट है उसको भी रिसीव और ट्रांसफर कर रहे हैं। कहने का मतलब जो है वो डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफर एंड जनरेट कर रहे हैं। ओके, समझ जाइएगा, ठीक है। एंड जो पेमेंट है इसको भी रिसीव और ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके,
तो ये जो दोनों आपकी कंडीशंस हैं उनको फुलफिल कौन कौन से बैंक कर रहे हैं ये हमें यहाँ पे देखना है। सबसे पहले आता है इशुइंग बैंक। देखो इशुइंग बैंक जो है ये तो ऑब्वियसली आपका जो डॉक्यूमेंट है उसे जनरेट कर रहा है, कौन सा एलसी जनरेट कर रहा है एंड फिर उसे ट्रांसफर भी कर रहा है। बात रही पेमेंट की, तो ये पेमेंट रिसीव भी कर रहा है और ट्रांसफर भी कर रहा है। पेमेंट रिसीव जो है ये कहाँ से कर रहा है, ये पेमेंट रिसीव कर रहा है इंपोर्टर से। आप देख सकते हैं इंपोर्टर ने जो पेमेंट है वो इशुइंग बैंक को दी थी और उसके बाद इसने ट्रांसफर भी करा है। ट्रांसफर इसने कहाँ करा है, तो आप देखोगे इसने ट्रांसफर करा है पेमेंट जो है नेगोशिएटिंग बैंक उसको, राइट। तो जो आपका इशुइंग बैंक है उसने ये सारी कंडीशन फुलफिल करी है, आपका डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफर एंड जनरेट भी करा है एंड जो पेमेंट है उसको रिसीव एंड ट्रांसफर भी करा है। तो इशुइंग बैंक तो हमारा यहाँ पे आएगा ही आएगा। तो करेक्ट आंसर या तो ऑप्शन नंबर 1 होगा या फिर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्यों, क्योंकि अगर हमारी सारी ही कंडीशन अगर जो आपका नेगोशिएटिंग बैंक है वो भी कंप्लीट करता है तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो हमारा यहाँ पे बी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है एडवाइजिंग बैंक को, हम सीधे सी वाले पे मूव करते हैं। सो नेगोशिएटिंग बैंक जो है ये क्या कर रहा है, तो आप देखोगे जैसे ही इसको बिल रिसीव हो रहा है उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स जनरेट कर रहा है और उसे ट्रांसफर कर रहा है। किसको ट्रांसफर कर रहा है, ये इशुइंग बैंक को कर रहा है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, पेमेंट रिसीव भी कर रहा है। पेमेंट रिसीव ये कहां से कर रहा है, ये पेमेंट रिसीव कर रहा है इशुइंग बैंक से। जो आप देख सकते हो ये जो पेमेंट है इसने कहां से रिसीव करी है, इशुइंग बैंक से। उसके बाद ये पेमेंट ट्रांसफर भी कर रहा है या फिर पे भी कर रहा है। ये पेमेंट किसको पे कर रहा है, ये कर रहा है एक्सपोर्टर को। यानी कि देखोगे आप ये वाला जो आपका बैंक है ये भी सारी ही कंडीशन जो है वो आपकी यहाँ पे फुलफिल कर रहा है। सो इशुइंग बैंक भी आएगा, नेगोशिएटिंग बैंक भी आएगा। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड सी। दूसरी बात, अगर आप बात करते हो एडवाइजिंग बैंक की, सो एडवाइजिंग बैंक जो है वो ना तो आपका बिल सॉरी कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो जनरेट कर रहा है, ये जो है डॉक्यूमेंट ट्रांसफर जरूर कर रहा है। ट्रांसफर कैसे कर रहा है, देखो ऑथेंटिकेशन कर रहा है फिर एक्सपोर्टर जो है उसको दे रहा है, तो ये ट्रांसफर कर रहा है राइट, लेकिन ये जनरेट नहीं कर रहा। दूसरी बात, ये कोई भी पेमेंट जो है वो रिसीव नहीं कर रहा और ट्रांसफर नहीं कर रहा। आप देख सकते हो एडवाइजिंग बैंक ने क्या करा है, खाली एलसी जो इश्यू हुआ है उसे लिया है, ऑथेंटिकेशन करा है, एक्सपोर्टर को दिया है, पेमेंट में एडवाइजिंग बैंक का कोई भी हाथ नहीं है। तो इस वजह से एडवाइजिंग बैंक जो है वो यहां पे आंसर में हमारे नहीं आएगा। ओके देन द इशुइंग बैंक इशूज अ डॉक्यूमेंट एज वेल एज रिसीव अ डॉक्यूमेंट बिफोर मेकिंग द पेमेंट, चूज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट एज योर आंसर। तो अगर आपने इस डेटा फ्लो को पूरे तरीके से समझ लिया है तो आप ऐसे ही सीधे सीधा आंसर लगा सकते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, क्योंकि पूरा जो मैटर है वो लेटर ऑफ क्रेडिट को लेकर है कि आपका जो यहाँ पे इशुइंग बैंक है वो क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट एज वेल एज रिसीव कर रहा है डॉक्यूमेंट को बिफोर मेकिंग द पेमेंट, मतलब आपका पेमेंट को मेक करने से पहले, तो लेटर ऑफ क्रेडिट आंसर होगा। लेकिन अब यहां पे देखो एक ऑप्शन और है जो कि है बोथ ए एंड सी, राइट। तो यानी कि बिल ऑफ लेडिंग, तो हम बिल ऑफ लेडिंग का भी मैटर देखेंगे कि जो आपका बिल है उसको भी क्या जो आपका इश्यूइंग बैंक है वो रिसीव कर रहा है पेमेंट करने से पहले। तो आप देखोगे यहां पे जब गुड्स की शिपिंग होती है तो गुड्स की शिपिंग होने के बाद जो बिल आता है वो नेगोशिएटिंग बैंक के पास जाता है एंड नेगोशिएटिंग बैंक से ये जो डॉक्यूमेंट है ये किसके पास जाते हैं, इश्यूइंग बैंक के पास जाते हैं। तो आप देखोगे इसने पेमेंट जो है वो अभी नहीं करी है, जो बिल ऑफ लेडिंग है वो नेगोशिएटिंग बैंक से होते हुए इश्यूइंग बैंक के पास जब पहुंच जाता है उसके बाद जो इश्यूइंग बैंक है वो क्या करता है, यहाँ पे नेगोशिएटिंग बैंक को पेमेंट करता है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो इश्यूइंग बैंक है वो कौन कौन से इशू करता है डॉक्यूमेंट्स या फिर रिसीव करता है अपनी पेमेंट को करने से पहले, तो पेमेंट को करने से पहले इसने कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करा था, तो वो है लेटर ऑफ क्रेडिट, और कौन सा डॉक्यूमेंट रिसीव करा है, तो वो है बिल ऑफ लेडिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो डॉक्यूमेंट है ये इसने अपनी पेमेंट को करने से पहले नेगोशिएटिंग बैंक को पेमेंट देने से पहले जो है वो रिसीव करे हैं और दिए हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, बोथ ए एंड बी, राइट। देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट हैव द रीजन विच कन्विंस द एक्सपोर्टर टू बी कॉन्फिडेंट इनफ टू शिप द प्रोडक्ट्स बिफोर रिसीविंग द पेमेंट्स। देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा रीजन है जो कि आपका कन्विंस्ड करता है किसे, एक्सपोर्टर को, कि आप जो हैं वो जो गुड्स हैं उनको शिप कर दीजिए अपनी पेमेंट रिसीव करने से पहले। देखो यहाँ पे एक्सपोर्टर ने जब आपका गुड्स को शिप करा है तो इसको पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, इसको क्या मिला है, इसको बस एक कन्विंस करा गया है, और वो कन्विंस किसके द्वारा करा गया है, वो कन्विंस जो है वो आपका एलसी के द्वारा करा गया है कि एलसी जो जनरेट कराई गई थी और एडवाइजिंग बैंक ने जो ऑथेंटिकेशन करा था उस ऑथेंटिकेशन की वजह से जो है वो एक्सपोर्टर जो है वो कन्विंस हुआ है एंड कन्विंस होने के बाद जो है उसने गुड्स की शिपिंग करी है। तो अब इसके हम लोग
ऑप्शंस को पढ़ते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा ये गिवन है, द एक्सपोर्टर ट्रस्ट एवरी इंडियन इम्पोर्टर एज इंडियन आर ऑनेस्ट एंड ट्रस्ट वर्दी. तो ये तो कोई रीजन नहीं हुआ, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे हमें डाटा फ्लो में ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है, ना ही हमें जो पहले इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे स्टार्टिंग में उनमें भी ऐसी कोई बात कही गई थी. तो हम खुद से ये लॉजिक नहीं लगा सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट है वो तो हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा. देन नेक्स्ट में मूव करते हैं. तो नेक्स्ट है द नेगोशिएटिंग बैंक एश्योर द एक्सपोर्टर थ्रू अ लेटर टू मेक द मूव. तो जो आपका नेगोशिएटिंग बैंक होता है वो एश्योर करता है किसको, एक्सपोर्टर को, एक लेटर के द्वारा कि उसको आगे की ओर मूव करना चाहिए. तो आप देखोगे यहाँ पे जो नेगोशिएटिंग बैंक है ये आपका एक्सपोर्टर को एश्योर नहीं करता है या फिर कोई भी लेटर नहीं देता है, वो सीधे नेगोशिएटिंग बैंक जो है वो एक्सपोर्टर से कैसे कनेक्ट है, वो खाली पेमेंट से कनेक्ट है. ये क्या करता है, जब इसको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं एंड डॉक्यूमेंट्स सभी इशूइंग बैंक को दे देता है, इशूइंग बैंक से पेमेंट आ जाती है, तो खाली ये इसको पेमेंट देता है और पेमेंट जो है वो किसको मिलती है, एक्सपोर्टर को मिलती है. तो यहाँ पे कोई भी नेगोशिएटिंग बैंक, मतलब यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है वो कोई भी जो आपका लेटर है वो एक्सपोर्टर को दे रहा है, ना ही उसको कन्विंस कर रहा है. तो आपका ऑप्शन नंबर टू भी करेक्ट आंसर नहीं होगा. देन थर्ड इज द एडवाइजिंग बैंक गोज थ्रू द लेटर ऑफ क्रेडिट चेक is its authenticity and hence advises the exporter to trust the importer. कहने का मतलब जो है वो ये है कि जो advising bank है ये आपका क्या करता है, जो letter of credit है इसके द्वारा check करता है, इसकी authenticity करता है या फिर authentication करता है, उसके बाद advise करता है किसको, exporter को, कि उसको trust करना है importer पे और जो है वो goods की shipping कर सकता है या फिर जो गुड्स है उसकी शिपिंग कर दे, उसको जो पेमेंट है वो रिसीव हो जाएगी. तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि अगर आप इस डाटा फ्लो को देखेंगे कि जो एडवाइजिंग बैंक है उसका इसमें मेन रोल होता है, क्योंकि इशूइंग बैंक जो है वो तो एलसी को इशू करता है, लेकिन जो एडवाइजिंग बैंक है वो मेन इसका अथेंटिकेशन कर रहा है, इसकी अथेंटिसिटी कर रहा है, इसको चेक कर रहा है और उसके बाद ये कन्विंस कर रहा है या फिर एक्सपोर्टर को ट्रस्ट दिला रहा है कि उसको जो उसकी पेमेंट है वो रिसीव हो जाएगी. एंड यही जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जब ऑथेंटिकेशन हो जाता है, उसी के बाद जो एक्सपोर्टर है वो क्या करता है, गुड्स को शिप कर देता है. राइट, तो जो गुड्स है वो शिप कैसे हुए हैं, पेमेंट से पहले, जब एडवाइजिंग बैंक ने इसकी ऑथेंटिकेशन करा है. तब वो जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर थ्री होगा. फोर को एक बार यहां पे हम लोग पढ़ लेते हैं. तो यहाँ पे फोर कह रहे हैं इम्पोर्टर कंप्लीट हिज पेमेंट बिफोर शिपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. तो ये गलत है, इम्पोर्टर जो है वो अपनी पेमेंट जो है वो इशूइंग बैंक को दे देता है, लेकिन एक्सपोर्टर को ये कैसे ट्रस्ट होगा कि उसने पेमेंट जो है इशूइंग बैंक को दे दी है तो वो एक्सपोर्टर को मिल जाएगी. जो मेन रोल आपका एडवाइजिंग बैंक का है, जो उसने ऑथेंटिकेशन करा है, उसी की वजह से इसे ट्रस्ट हुआ है. इसका मतलब आपका जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो भी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा. सो ऑप्शन नंबर फोर होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर थ्री होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर. ओके, ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है उसकी वजह से ये कन्विंस होता है. ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये जो क्वेश्चन है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे. एक क्वेश्चन मैं हमेशा आपके लिए छोड़ती हूँ, एक या फिर दो. तो मैंने यहाँ पे पांच क्वेश्चन थे, इस वजह से मैंने फोर तो यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं. जैसे जैसे मैं आगे डीएफटी लेकर आऊंगी तो हो सकता है मैं जैसे आपके जो डीएफटी लेकर आऊँ उसमें से एक डीएफटी मैं सॉल्व कर दूँ और एक पूरा आपको दे दूंगी एज अ होमवर्क. एंड अगर आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप ग्रेडअप की साइट विजिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लैंग्वेज से रिलेटेड. यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिया है लेकिन वहाँ पे आपका हिंदी इंग्लिश दोनों गिवन है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये डाटा फ्लो भी, आपका जो फ्लो चार्ट है उसको भी दिखाना था, इस वजह से यहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम थी. लेकिन अगर आप हिंदी प्रीफर करते हो तो आप वहाँ जाके साइट विजिट कर सकते हो, आपको हिंदी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. एंड यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है इसको आपको अटेम्प्ट जरूर करना है. और अटेम्प्ट करने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगी आपको कि आप लोग, जैसे कि आप लोग को जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक दूसरे से डिस्कस करते हो तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो बेटर है कि आप क्या करें, जैसे कि मैंने यहां पे आपको ये दिया कि आपके लिए एज अ होमवर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. एंड स्क्रीनशॉट जो है वो हमारा जो करंट अफेयर्स फंडा का ग्रुप बना है. ओके, जो करंट अफेयर्स फंडा का जो ग्रुप बना है फेसबुक पे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए एंड स्क्रीनशॉट उठा के वहीं डाल दिया करिए. ओके, और अपना जो आंसर है जो बाकी के आपके मेंबर्स हैं उनके संग डिस्कस कर लीजिए. तो जैसे कि आपको यूट्यूब के कमेंट्स में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप वहां जाके भी अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे तो आप कमेंट्स करके एक दूसरे को चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने आंसर पे डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके वहां पे इसे पोस्ट करके जान सकते हैं. हमारी जो टीम है वो हमेशा एक्टिव रहती है, आपकी जो है उसे जल्दी ही अप्रूव कर दिया जाएगा. इसी के संग में बताना चाहूंगी कि जो ग्रेड अप की टेस्ट सीरीज है, हमने जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसकी हेल्प से अगर आप इस टेस्ट सीरीज को बाय करते हो तो आपको 10% का जो है वो ऑफ मिलेगा ग्रेड अप की हर टेस्ट सीरीज पे. ओके,
लास्ट में यहाँ पे आपकी पूरी प्लेलिस्ट जो है ग्रेड अप की वो लगाई गई है, जिसकी हेल्प से आप लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इस चैनल पे काफ़ी सारे पजल्स बना रखे हैं, आई थिंक 200 से ज़्यादा वीडियो जो है वो मैं आपकी पजल से बना चुकी हूँ, और कई वीडियोज में मैंने 2 से 3 3 पजल्स भी सॉल्व करे हैं, तो पजल का जो नंबर है वो वीडियो से ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। तो आपको डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं अगर आप उनकी प्रैक्टिस करनी है तो आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर व्यू करिए। एंड इसी के संग मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, डेली जो है सुबह एमसीक्यूज यहाँ पे 15 MCQs जो हैं वो सर डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड। जो अभी जो आपके रिसेंटली एग्जाम आने वाले हैं यूपी पुलिस एंड जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है SSC रेलवेज, तो उनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर हैं और जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो जो है सर डेली ही मॉर्निंग में कवर करते हैं। वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती है, 15 से 18 मिनट की होती है, तो आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और इसमें आपके जो न्यूज़पेपर होते हैं और जो करंट अफेयर्स होते हैं वो भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। सो उसको आप ज़रूर देखें, सुबह 15 से 18 मिनट में आप इसको देख सकते हैं अपने चाय पीने के साथ साथ, और अपनी जो न्यूज है उससे डेली ही अपडेट रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कभी भी आपको मॉर्निंग में नोटिफिकेशन नहीं आता है या फिर किसी भी वीडियो में नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर आप चैनल को विजिट जरूर करिए। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।